Hello everyone, welcome back to continuous classes. Today's lecture would be on spray tower or column. So from the name itself, it suggests that there will be a spraying system, that means the dispersed system. So this equipment, that is the spray tower, can be operated by two distinct ways. One is to make the light liquid dispersed, and another one is to make heavy liquid dispersed. So let's see what it actually says. Either light phase or heavy phase may be dispersed. Okay, that means both of the phases can be make dispersed, and I have discussed the dispersed section in details in my previous classes. When light phase is to be dispersed, it is introduced through a nozzle from the bottom droplets. क्या बोल रहा है कि जब हम लोगों को light phase को disperse कराना है, तब हम लोग क्या करेंगे? इसको introduce कराएंगे, इसको inlet देंगे कहाँ से? Bottom phase से. ये वाला जो है ना, ये बॉटम से हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. कब? जब हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड को डिस्पर्स करेंगे. कौन सा वाला? लाइट लिक्विड को. सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फ्रॉम द बॉटम ड्रॉपलेट्स राइज थ्रू द हैवी फेस एंड फाइनली कोल्स टू फॉर्म ए लिक्विड लिक्विड इंटरफेस एट द टॉप. यहाँ पे जब हम लोग लाइट लिक्विड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो यहाँ से जो हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से स्प्रे हो रहा है. स्प्रे मतलब कि ये ड्रॉप, ये जो है परफोरेशन से, यहाँ पे जो हमारा इनलेट में है, इसमें परफोरेशन से ये क्या करेंगे, ड्रॉप वाइज में ऊपर जाएगा. ड्रॉप वाइज में ऊपर जाके, क्योंकि यहाँ पर परफोरेशन से, सो अगर किसी चीज़ से अगर निकलना हो, तो वो अगर परफोरेशन से, वो उसी हिसाब से निकलेगा ना, जिस हिसाब से उसका परफोरेशन का साइज होगा. सो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कोल्स होगा. कोल्स का मतलब होता है कि इकट्ठा होना, एक जगह पर मिलना. सो ये जितना भी ड्रॉप्स होगा, किसका? लाइट लिक्विड का. जितना भी लाइट लिक्विड का ड्रॉप्स होंगे, वो ऊपर जाएगा. और ऊपर क्यों जाएगा? बिकॉज हैवी लिक्विड एंड लाइट लिक्विड, जिसका डेंसिटी कम होगा, वो क्या होगा, वो ऊपर रहेगा. एंड जैसे कि ऑयल और वाटर होगा, तो ऑयल कहाँ पे रहेगा? ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर. क्यों? क्योंकि ऑयल का जो डेंसिटी है, वो वाटर से कम है, इसीलिए ऑयल हमेशा ऊपर फ्लोट करता है. सो सिमिलरली यहाँ पे अगर लाइट लिक्विड लेस डेंसर है, तो क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा. और ऊपर जाके एक यहाँ पे क्या होगा, एक इंटरफेस बनाएगा. ये इंटरफेस का मतलब होगा कि यहाँ पे हैवी एंड लाइट का दो फेस दिखाई देगा. मतलब कि ये जो है, ये है का दोनों दोनों फेस का कॉन्टैक्ट सरफेस, दैट मीन्स इंटरफेस. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन ऑपरेशन वेयर हैवी फेस इज डिस्पर्स, और जहाँ पे हम लोगों को हैवी फेस डिस्पर्स कराना है, इट एंटर्स द टावर फ्रॉम द टॉप. और जब हम क्या कराते हैं, तब हम लोग हैवी फेस को पहले डालते हैं. हैवी फेस को एज ए इंटरफेस, सॉरी लाइट डिस्पर्स फेस बना के हम लोग ऊपर से इसको ड्रॉप वाइज डालते हैं. तब क्या होगा, ये जो लाइट लिक्विड होगा, ये ज़्यादा फील्ड रहेगा इस पूरे कॉलम में. कौन सा रहेगा फील्ड? तब लाइट लिक्विड. और इस केस में हैवी लिक्विड फील्ड रहेगा. सो इस केस में क्या होगा कि लाइट लिक्विड फील्ड रहेगा, और ये क्या करेगा, इसमें ऊपर से इस तरह से ये गिरेगा. कौन सा? ड्रॉप वाइज में कौन सा गिरेगा? ये होगा हैवी लिक्विड. और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लाइट लिक्विड है, वो ऊपर जा रहा है ड्रॉप वाइज ऐसे. गॉट इट? ड्रॉपलेट्स फॉल थ्रू द लाइट फेस एंड फाइनली कोल्स टू फॉर्म ए लिक्विड लिक्विड इंटरफेस एट द बॉटम ऑफ द टावर एंड देन लीव्स द टावर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम थ्रू द बॉटम आउटलेट. क्या बोल रहे हैं, इसमें जब हम लोगों का जो हैवी लिक्विड डिस्पर्स में होगा, तो क्या होगा कि ऊपर से ये गिरेगा, और गिरने के बाद यहाँ पे एक जगह पे जमा हो जाएगा. जमा होकर यहाँ पे क्या करेगा, लाइट लिक्विड और हैवी लिक्विड का एक इंटरफेस बना देगा. जो ये जो है, ये दोनों फेस का कंटैक्ट सरफेस है, जिसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं. सो यहाँ पे क्या रहेगा, और यहाँ पे जब हैवी लिक्विड ज़्यादा जमा होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे आउटलेट ले सकते हैं. आप वहाँ से लो या से लो, वो आपकी मर्जी है. देन इन दिस केस द लाइट फेज इज इंट्रोड्यूस्ड एट द बॉटम. इन दिस केस अभी हम लोग जब डिस्कस करने जा रहे हैं, तो यह क्या, ये वाला जब डिस्कस करने जा रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि लाइट लिक्विड जो है, ये हम लोग नीचे से इनलेट करा रहे हैं, नीचे से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. फ्लोस एज ए कंटिन्यूस फेस एंड अल्टीमेटली लीव्स द टावर फ्रॉम द टॉप. क्या बोल रहे हैं कि फ्लोस एज ए कंटिन्यूस फेस एंड अल्टीमेटली लीव्स द टावर फ्रॉम द टॉप. और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये थ्रो, ये एज ए नहीं होगा, ये थ्रो होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस फेस किसका, हैवी लिक्विड से वो जा रहा है, और ऊपर जाके आउटलेट कहाँ से होगा, इस सच से आउटलेट होगा उसका. शोज द बोथ ऑपरेटिंग
स्प्रे टावर्स, मतलब कि अगर हम लोग हैवी को अगर डिस्पर्स रखे तो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, मतलब कि उसका डायग्राम लगभग सेम ही रहेगा, सिर्फ जो लिक्विड हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे, अगर हैवी को अगर हम लोग डिस्पर्स रखते हैं तो इस तरह का होगा, ऊपर से हम लोग इसको ड्रॉपर्स में डालेंगे, और अगर लिक्विड को डिस्पर्स रखते हैं तो हम लोग नीचे से इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नेक्स्ट होता है कि थ्रू द स्प्रे टावर दो द स्प्रे टावर इज सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, ये सिंपल है कंस्ट्रक्ट, इट्स परफॉर्मेंस इज पुअर बिकॉज ऑफ कंसिडरेबल रिसर्कुलेशन ऑफ द कंटिन्यूस फेस। क्या बोल रहे कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो कम है, क्यों? क्योंकि इसका इसमें एक्सेल मिक्सिंग नहीं है, इसमें एक्सेल मिक्सिंग नहीं है, ये कंटिन्यूस फेस है पूरा है, इसमें कोई मिक्सिंग वगैरह का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर ये जैसे जा रहा है, अगर ये अगर एक सेट से जा रहा है तो एक ही सेट से वो एक्सट्रैक्ट करके चला जाएगा, ये वाला सेट वैसे का वैसे रह जाएगा। कंटिन्यूस फेज एक्सेल मिक्सिंग एंड लिटिल टर्बुलेंस इन इट, क्योंकि टर्बुलेंस ना के बराबर है, इसमें टर्बुलेंस का कोई मतलब ऐसा चांस नहीं है कि टर्बुलेंस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई पल्स नहीं हो रहा है, कोई एजिटेटर वगैरह नहीं है, सो दैट इज वाई देर विल बी ए लेस इंटरफेस मास ट्रांसफर, दैट इज वाई लेस और लिटिल टर्बुलेंस, एंड दैट इज वाई द एक्सट्रैक्शन वुड बी लेस एफिशियंट। इन स्प्रे टावर्स द ड्रॉपलेट्स ऑफ डिस्पर्स फेस, स्प्रे टावर में जो ड्रॉपलेट्स होगा डिस्पर्स फेस, मतलब अगर इसमें बोले तो ये वाला, इसका जो ये ड्रॉपलेट्स वगैरह है ये वाला, ये क्या क्या हो रहा है, डिस्पर्स फेस राइज और फॉल थ्रू द कंटिन्यूस फेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब यहाँ पे कोई दूसरा फोर्स नहीं लगा रहा है कि जैसे कि हम लोग ये लाइट लिक्विड यहाँ से डिस्पर्स करवा रहे हैं तो क्या करेगा, लाइट लिक्विड ये धीरे धीरे अपने आप ग्रेविटी के हिसाब से ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि लेस डेंसर है सो इट विल गो अप, एंड हैवी लिक्विड, ये हैवी लिक्विड है तो क्या करेगा, ये नीचे की तरफ आएगा, बिकॉज दिस इज हैवी, बाई ग्रेविटी इट विल पुल डाउन। दस देयर इज अ लिटिल देयर इज अ लिमिट फॉर द अमाउंट ऑफ डिस्पर्स फेस दैट कैन पास थ्रू द टावर फॉर एनी गिवेन फ्लो रेट ऑफ द कंटिन्यूस फेस, मतलब कि कंटिन्यूस फेस से ये कितना उसमें जाएगा, इसका मतलब जैसे कि आप स्पीड बढ़ा नहीं सकते, सो इसका एक लिमिट है कि इतने इतने तक ही जाएगा। जैसे कि अगर हैवी लिक्विड कोई एक्स अगर कोई हैवी लिक्विड है तो उसका जो स्पीड होगा इसमें जो लाइट लिक्विड का वो सर्टेन होगा, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। सो दिस इज हाउ द स्प्रे टावर्स वर्क्स, सो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम वी कैन कम ऑन लाइव एंड हैव अ डिस्कशन ओवर देयर, सो थैंक यू।